नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल पर जिसका नाम है न्यूज पॉलिटिक्स एंड टेक। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक ओवरव्यू किया था, उसके बाद फिर मैंने किया था फोर्ड फ्रीस्टाइल का रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं इन दोनों गाड़ियों को और देखेंगे कि इनमें से कौन सी गाड़ी है सबसे खास जो आपको लेनी चाहिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके स्पेसिफिकेशन से। तो स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट सीसी स्विफ्ट में मिलता है 1248 का और फ्रीस्टाइल में आपको मिलता है 1498 का। सो यहाँ पे फ्यूल टाइप जो है वो दोनों गाड़ी का डीजल है, अगर आप चाहें तो इसमें पेट्रोल वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। तो स्विफ्ट में आपको जो मिलता है वो DDIS 190 इंजन मिलता है और फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको मिलता है TDCI इंजन। मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट में मिलता है 74 BHP का मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क जो है वो 190 न्यूटन मीटर का मिलता है स्विफ्ट में। सो फ्रीस्टाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 100 BHP का मैक्स पावर मिलता है और 250 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क फ्रीस्टाइल में आपको मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे आपको स्विफ्ट दी है 29 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज और फ्रीस्टाइल देती है 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। सो टर्बोचार्जर टाइप जो है वो दोनों गाड़ियों में फिक्स ज्योमेट्री का है और नंबर ऑफ गियर्स दोनों ही गाड़ियों में 5 है। ट्रांसमिशन टाइप दोनों का ही मैनुअल है और ड्राइवर टेरेन भी इनका फ्रंट व्हील ड्राइव है। ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही फ्रंट ब्रेक टाइप और रियर ब्रेक टाइप डिस्क और ड्रम मिलता है और मिनिमम टर्निंग रेडियस यहाँ पे स्विफ्ट में आपको मिलता है 4.8 मीटर, वहीं आपको फ्रीस्टाइल में मिलता है 5 मीटर। स्टीयरिंग टाइप दोनों में पावर स्टीयरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिक। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है और स्पेयर व्हील आपको मिलता है स्टील का। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स में स्विफ्ट में आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए और फ्रीस्टाइल में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स। अगर आप फोर्ड फ्रीस्टाइल में थोड़ा सा लो वेरिएंट खरीदते हैं, इससे एक वेरिएंट नीचे खरीदते हैं, तो इसमें आपको स्विफ्ट के जैसा 2 एयरबैग मिलता है जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए दिया गया है। सो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वार्निंग जो है और चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जो है वो डिजायर में सॉरी स्विफ्ट में मिलते हैं पर फ्रीस्टाइल में नहीं मिलते। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में मिल जाते हैं, पर फ्रीस्टाइल में सिर्फ आपको ABS और EBD मिलता है। साथ साथ फ्रीस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है जो कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट ऑफर नहीं करती। लॉक सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और सेंट्रल लॉकिंग मिलती है जो कि कीलेस से ऑपरेट की जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है दोनों गाड़ियों में और यहाँ पे 12 वोल्ट पावर आउटलेट जो है वो एक ही दिया गया है, वो भी फ्रंट रो में। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ड्राइवर्स के लिए टिल्ट है, कीलेस स्टार्ट और बटन स्टार्ट भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ पार्किंग सेंसर जो है वो रियर के लिए दिए गए हैं और पार्किंग असिस्ट दिया गया है, रिवर्स कैमरा। सो सीट्स एंड पोस्ट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सीट जो है वो फैब्रिक मटेरियल यूज किया गया है और यहाँ पे स्विफ्ट में आपको जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें लेदर रैप भी मिलता है। वेयर एज अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट है दोनों गाड़ियों में, साथ ही साथ फ्रंट पैसेंजर सीट्स भी मैनुअली एडजस्ट करनी होती है। सो रियर पैसेंजर सीट जो है वो बेंच टाइप यहाँ पे आपको मिल जाती है और इंटीरियर जो है वो आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में सिंगल टोन मिलते हैं, यानी कि ब्लैक कलर का मिलता है और फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको मिलता है वो भी सिंगल टोन चारकोल ब्लैक के इंटीरियर्स। तो अब हम बात करते हैं इनके मेन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में इंटीग्रेटेड इंडैश म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जिसका हेड यूनिट साइज रहता है 2D, डिस्प्ले रहता है टच स्क्रीन डिस्प्ले, इसमें आपको मिल जाता है GPS नेविगेशन, USB कंपैटिबिलिटी, AUX कंपैटिबिलिटी, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी जिसमें कि आप फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, MP3 प्लेबैक, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, FM/AM रेडियो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो स्पीकर्स जो है वो आपको स्विफ्ट में आपको मिलते हैं 6 और फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको मिलते हैं सिर्फ 4। सो अब हम बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी आपको स्विफ्ट के लिए देती है 2 साल की वारंटी और किलोमीटर्स में सिर्फ 40,000 तक की। वहीं अगर हम फ्रीस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम 2 साल की वारंटी मिलती है और किलोमीटर्स में मिलती है 1,00,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके कुछ कलर्स के बारे में कि इनमें कलर्स कौन कौन से आपको मिलते हैं। तो स्विफ्ट में आपको मिलते हैं पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू, मेटालिक मैग्मा ग्रे, मेटालिक सिल्वर, सॉलिड फायर रेड, पर्ल मेटालिक लूसेंट ऑरेंज, पर्ल आर्टिक व्हाइट। इनमें से जो सबसे ज्यादा कलर आजकल बिक रहे हैं वो है पर्ल मेटालिक लूसेंट ऑरेंज और सॉलिड फायर रेड। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में एब्सोल्यूट ब्लैक, स्मोक ग्रे, कैनोन रिज, मुंडस सिल्वर, व्हाइट गोल्ड, ऑक्सफोर्ड व्हाइट जैसे कुछ कलर्स मिल जाते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा कलर जो बिक रहा है वो है कैनियन रिज और व्हाइट गोल्ड। तो दोस्तों, मेरे सजेशन में तो आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल के लिए ऑप्शन में लेना चाहिए बिकॉज ये स्विफ्ट से थोड़ी सी सस्ती भी है और इसकी आफ्टर सेल्स भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, स्टे अमेज्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।